नमस्कार जी, अब मैं आपके सामने आपके टेक्स्ट बुक का किताब का एक और प्रश्न लेने जा रहा हूं जो 2 नंबर का है। ये बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप देखिए, ये आपको गिवन है, विद द हेल्प ऑफ दिस यू हैव टू प्रूव दिस। अब ये गिवन है तो हमको समझो नहीं आता, कोई बात नहीं, आप प्रश्न को देखिए, प्रश्न ही बताता है मेरा करना क्या है। जैसे इसने क्या बताया, स्क्वायर, इसके पास भी क्या है, स्क्वायर। इसका मतलब ये बता रहा है कि आप इसको ऐसा करिए कि स्क्वायर बन जाए। अब स्क्वायर बनाने के लिए स्वाभाविक है कि आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। बड़ा आसान तरीका इसने इशारा कर दिया, इशारों में ही बता दिया। तो बोर्ड में प्रश्न इतने कठिन नहीं होते, जरा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आइए मेरे साथ, ये आपके सामने प्रश्न है, आपको ये प्रूव करना है। बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इज इक्वल टू 2। भैया ये क्या है, गिवन है, ये आपको उसने दे दिया है। तो आप लिखेंगे मेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड, स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड्स। चलो बोथ दी साइड्स आप स्क्वायर करेंगे, तो जब यहां पे आप स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, हमने यहां भी स्क्वायर कर दिया, उधर भी स्क्वायर कर दिया। अब जब आपने इसको स्क्वायर कर दिया तो आपको एक फार्मूला याद आना चाहिए। बोलो कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बच्चे को मालूम है, 7th से आप पढ़ रहे हो, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इधर भी है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो उस फार्मूला से जब आप जाओगे तो ये बनेगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो कहां से आया है, फार्मूला से आया है, a इंटू बी मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये आपका ए है और ये कौन था, बी। इसका मतलब इसको ऐसे ही लिखना है, 10 थीटा इंटू 1/10 थीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ना आपका बी, तो बी का होल स्क्वायर मतलब 1/10 स्क्वायर थीटा। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, और 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 10 स्क्वायर थीटा। और इधर बोलो क्या नंबर है, 4। अब 10 थीटा क्या हो गया, कैंसल। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 4। और ये प्लस 2 वहां जाके बोलो क्या होगा, माइनस। इसका मतलब यू आर गेटिंग योर फाइनल आंसर, दैट इज 2 विल गो दैट साइड एंड इट विल बिकम माइनस। इट मींस यू आर गेटिंग योर फाइनल आंसर, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। और आपके पास 2 नंबर कितने आसानी से आपको मिल गया। तो ये है तरीका, हम लोग इसको बहुत आसान करके सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको बड़े अच्छी तरह से पेपर तक रिमाइंड रहे। आप देखिए, एग्जाम देने जाइए, हम आपको पेपर में भी याद आएंगे। डॉक्टर हरीश कोरी और हमारे चैनल स्टडी विद कोरी, इसे आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको सारे प्रश्न एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध कंटिन्यूअस मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, सब्बा खैर, थैंक यू।